लौंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर बग्स और कुछ ऐसे ग्लिचेस और ऐसे ट्रिक्स बताने वाला ना, जिनको देखने बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। अच्छा, और अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस डेली देखने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं भैरचंद मजा आएगा। तो भी अपने सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को लॉबी में आ जाना, फिर तुम्हारा जो पेट का सेक्शन होता है उसमें चले जाना, फिर तुम लोग को फेल्को पेट पे आ जाना है, और फेल्को पेट की जितनी भी स्किन है उस पर तुम लोग को टैप टैप करते रहना, एकदम से ना तुम लोग को 10-15 बार टैप टैप करते ही रहना इस पे। मतलब ये टैप टैप ना तुम लोग को दोनों हाथों से करना है ताकि जल्दी हो सके, और तुम लोग को टैप टैप करते ही रहना, और जैसे तुम्हारा टैप टैप कुछ ज्यादा बार हो जाए ना तुमको लगे कि अब ट्रिक वर्क करेगा, फिर तुम लोग को लॉबी में आ जाना। उसके बाद देखिए तो तुम्हारा लॉबी में ना फेल्को की स्किन चेंज हो रही है। और यहाँ पे ना तुम लोग देखी जाओ तो तुम्हारे लॉबी में ना फेल्को की पेट की स्किन चेंज हो रही है कुछ ऐसे, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है, और इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग अपने फ्रेंड को शॉक कर सकते हो, और इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद ना तुम अपने फ्रेंड को पूरा शॉक कर सकते हो, उन्हें पूरा पगला ही सकते हो कि क्या ही ट्रिक है वाले, मतलब ये ट्रिक कैसे वर्क कर सकता है। अरे देवा। तो अभी दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना सेंटोसा के, तुम लोग ध्यान से देख लो ना, तुम लोग इसी वाली जगह पे आ जाना कंटेनर के पास, तुम्हारा जो लॉन्च पैड होता है ना मिनी वाला उसको तुम लोग को लेके आना, फिर तुम लोग इस वाली जगह पे ना अपने मिनी लॉन्च पैड को लगा देना है, और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाए इसके ऊपर तुम लोग को चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में लगा के गेम में वापस आ जाना है, और फिर तुम लोग देखी तो तुम लोग पूरा ड्रम के अंदर आ चुके हो। क्यों हिला डाला ना? और ना जैसे ही तुम लोग कंटेनर के अंदर यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो, इस वाली जगह पे ना लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत ही आराम से ना अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और ना अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने पहली बार वाले ट्रिक को करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाले हैं कि क्या ही ट्रिक है वाली, और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग जल्दी से जल्दी बहुत ही आराम से अपना हीरो को रन मास्टर कर पाओगे, और साथ ही साथ ना तुम लोग के लिए इस वाली जगह पे एक हिडन प्लेस भी बन जाएगा जहाँ पे रह के ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना सर्वाइव कर पाओगे और अपना स्क्वाड का भी मास्टर करा पाओगे। ओके, तो अभी अपना तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाले लॉन्च पैड पे आ जाना है, फिर तुम लोग को थोड़ा सा हेल्थ कम करके आना है, फिर तुम्हारा जो मेड किट और लॉन्च पैड का यूज का बटन होता है ना दोनों पर टैप करना है एकदम से, मतलब ना एक बार में ट्रिक वर्क नहीं करेगी, 2-3 बार तुम लोग को क्लिक करना है कुछ ऐसे, और जैसे ही तुम्हारा ट्रिक वर्क कर जाएगा ना उसके बाद देख सकते हो तुम्हारा ना जो लॉन्च पैड के ऊपर तुम लोग मेड किट कर रहे हो। और जैसे तुम्हारा मेड किट खत्म हो जाएगा ना उसके बाद तुम लोग साइड में जब देखोगे जहाँ अपना एग्जिट का बटन होता है ना लॉन्च पैड से, वहाँ पे तुम लोग का ऑप्शन गायब हो चुका है पूरा, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है, और यहाँ पे ना यूज का बटन और लॉन्च पैड का जंप का बटन दोनों को साथ में आ चुका है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद ना तुम लोग अपने फ्रेंड को पूरा शॉक ही कर सकते हो, और कोई इनमें भी तुम लोग इस वाली ट्रिक को करते हुए देखेगा ना तो वो भी पूरा पगला ही जाने वाला है कि कैसे तुम लोग ये वाली ट्रिक को कर रहे हो। नाइस। तो भी तुम लोग अपने इस वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना, पहुंचने हो के तुम लोग ध्यान से देख लो, तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना सबसे पहले, और फिर तुम लोग को करना है कि यहाँ पे आने के बाद ना तुम्हारा जो लॉन्च पैड होता है उसको कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगा देना है, फिर ना तुम लोग अपने लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ जाना, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना, उसके बाद देख लीजिए तो तुम लोग पूरा ना धरती के अंदर जा चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग पूरा पहाड़ी के अंदर आ जाओगे ना यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, और इस वाली जगह अपना लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और ना अगर तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके बहुत जल्दी से जल्दी हीरो को ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो ना अपना, तो तुम लोग के लिए ये वाली ट्रिक काफी यूजफुल होने वाली है, और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। अपनी पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों को फिर से लॉबी में आ जाना है, फिर तुम लोगों को करना है तुम लोगों को वेपन वाले सेक्शन में चले जाना है सबसे पहले, और वेपन वाले सेक्शन में जाने के बाद जो सबसे पहले तुम लोगों को वेपन दिखाई देगा M4A1 का उस पर तुम लोगों ने ऐसे कुछ क्लिक करना, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे आने के बाद तुम्हारा जो लॉबी में ले जाने का गन होता है ना उस पर 2-3 बार टैप टैप करते रहना, 2-3 बार तुम लोग 10-15 बार टैप टैप कर देना है ताकि ये वाले ट्रिक ना कुछ ऐसे से वर्क करे। और ना जैसे तुम लोग 10-15 बार टैप टैप कर दोगे ना इसमें उसके बाद तुम लोग लॉबी में वापस से आ जाना, फिर तुम लोग जैसे ही लॉबी में आओगे ना फिर तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा लॉबी में ना करेक्टर हाथ में से गन चेंज कर रहा है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है, और फिर ना तुम लोग देख ही सकते हो तुम्हारे कैरेक्टर ना लॉबी में अपने गन को चेंज कर रहा है, अपने गन को गायब कर रहा है, फिर से अपने गन को ला रहा है, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद तुम लोग लिटरली अपने फ्रेंड को पूरा शॉक कर दो, उन्हें पूरा पगला ही दोगे कि क्या ही ट्रिक है वाली और कैसे वाली ट्रिक वर्क करती है, तुम्हारा गन कैसे गायब हो रहा है और बार बार हाथ में गन आ रहा है।
ओके तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ना तुम लोग ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है, और अगर ये वीडियो पसंद आई है ना तुम लोगों को, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और हमें वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।